नमस्कार श्रीकाल मैं अशुमेंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेक मंत्रा के एक और फ्रेश एपिसोड में और दोस्तों आज हम एक ऐसी एक्स्ट्रॉर्डनरी लोकेशन पे आ चुके हैं जहाँ पर मैंने कभी भी अपने अपने यूट्यूब चैनल के करियर में नहीं शूट करी ऐसी कोई वीडियो जहाँ पर हम कहीं घर से बाहर आकर स्पेशली कोई वीडियो शूट करेंगे पर आज हम आए हैं इस स्पेशल वीडियो को आप लोगों के लिए लेकर और यहाँ पर आज हम रिव्यू करने वाले हैं यूबोर्ड के ई स्कूटर को अब आप लोग समझ तो गए होंगे कि ई स्कूटर क्या होता है ई स्कूटर यानी कि इलेक्ट्रिक स्कूटर जो आपकी चलेगी इलेक्ट्रिसिटी से जिसमें आपका फ्यूल का कॉस्ट घंटी कैसे चलती है, है? ब्रेक्स कैसे काम करती है इनफैक्ट स्पीड कैसे पकड़ती है ये कौन कौन से इसके अंदर मोड्स है और आखिरकार इसके अंदर जो डिस्क ब्रेक्स वगैरह आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे उन सभी क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में आगे है तो चले तो दोस्तों अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस बाइक का पूरा एक क्लोजअप लेके और ये क्लोजअप कैसे दिखती है बाइक क्लोज़अप से और सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ गाइस इसकी ग्रिप के ऊपर ये जो ग्रिप है गाइस कितनी ही ज़्यादा कंफर्टेबल है अब इसका क्या फ़ायदा होगा कि जैसे गाइस मैं इसको पकड़ूंगा तो ये बिल्कुल भी स्लिप नहीं होएगी मेरे हाथ से जिस कारण से ये बाइक ज़्यादा बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल हो जाएगी चलाने के अंदर अब इसी के साथ मैं नीचे ले आता हूँ गाइज़ जहाँ पर मैंने अपने पैर रखने हैं अब यहाँ पर गाइज़ मैंने अपने पैर रखने हैं तो इससे क्या होगा कि मेरे पैर नहीं स्लिप करेंगे बाइक आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाएगी और एक्सीडेंट्स के कोई चांस नहीं रहेगी अब मैं इसी के साथ नीचे आपको एक और जगह पर ले आता हूँ जो कि है गाइस इसकी डिस्क ब्रेक अभी तो डिस्क ब्रेक है गाइस अगर आप इमरजेंसी के अंदर कभी भी अपनी बाइक को स्टॉप करना चाहते हैं तो आप ये डिस्क ब्रेक दबाएंगे मैं ऊपर से देखो ब्रेक्स को दबाता हूँ और गाइस देखिए कैसे एकदम से बंद हो गई और यहाँ पर ब्रे बाइक ऑटोमेटिकली रुक जाएगी अब इसी के साथ मैं टायर के पीछे ले आता हूँ तो गाइस आप जैसा कि जानते हैं गाइस जैसे ही मैं ब्रेक को दबाऊंगा दबाऊँगा यहाँ पर एक रेड कलर की लाइट जल जाएगी जिससे क्या होगा कि जब भी लोग पीछे होएगी आपके वो अंधेरे के अंदर आपको देख सकते हैं आपको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई बंदा उस वक्त बाइक को चला रहा है एंड अब आप मैं आपको आगे लेके चलता हूँ गाइज़ जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर की तरफ ऊपर वाले पैनल में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर तीन लाइट्स जली हुई है जब यह ग्रीन लाइट है तो इसका मतलब ये सेफ़ ड्राइविंग मोड चल रहा है यहाँ पे इसके ऊपर जो वाइट लाइट व्हाइट लाइट और एक और वाइट लाइट आती है ये चार्जिंग को इंडिकेट करता है कि आपके बाइक के अंदर कितनी चार्जिंग है आप देख सकते हैं जो गाइस ग्रीन लाइट है इसका मतलब ये सेफ़ ड्राइविंग मोड है अब जब मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो ये वाइट बन जाएगी अपने आप इसका मतलब ये फास्ट ड्राइविंग मोड है अभी मैं आपको चला के भी इसको दिखाऊंगा और जब ये चारों की चारों गाइज वाइट है इसका मतलब आपका फास्ट ड्राइविंग मोड भी है और आपका जो वो है गाइज फुल चार्ज है अब इसी के साथ मैं इसके साथ ले आऊँगा गाइज आपको आप देख सकते हैं ये स्पीड कंट्रोलर है जिसको हम एक्सिलरेटर कहते हैं गाड़ी के अंदर एंड इसको जैसे ही मैं नीचे प्रेस करूँगा तो मेरी बाइक आगे की तरफ जाएगी जब मैं इसको रिलीज़ कर दूंगा तो बाइक मेरी ऑटोमेटिकली स्लो होनी स्टार्ट हो जाएगी इसी के साथ गाइस गाड़ी के अंदर भी ब्रेक होती है इस बाइक के अंदर भी ब्रेक है कोई एकदम से सामने इंसान आ जाए या कुछ भी आ जाए और आपको गाड़ी रोकनी है इन शॉर्ट तो आप ब्रेक को प्रेस करते हैं इसी तरीके से इस स्कूटर e के अंदर आप इस ब्रेक को प्रेस करेंगे जिससे कि आपकी वही की वही ये बाइक रुक जाएगी अभी मैं चला के भी दिखाऊंगा और आगे की तरफ मैं कैमरा मैन से अनुरोध करता हूँ कि इसको ले आए कैमरा को आप इस तरफ देखेगी तो मैं इसमें सिर्फ सिंगल लाइट अगर एक बार प्रेस करूँगा तो एक फ्लैश सी जल गई और ये बहुत स्ट्रॉन्ग गाइस अभी दिन का समय है तो इस चक्कर में आप देख नहीं पा रहे तो अभी मैं फ्लैश को बंद कर दूंगा एंड इस तरफ मैं अब आपको लेके जाना चाहता हूँ ये बाइक कितनी ज़्यादा इन शॉर्ट कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और इन शॉर्ट गाइस अब इस बाइक को अगर आपने कहीं ट्रैवल करना है तो आप इसको कैसे लेके जाएंगे यहाँ पर आपको एक लेवर दिख रहा है गाइस इस लेवर को मैं ऐसे करूँगा नीचे की तरफ और इसको थोड़ा सा जर्क दूंगा और इसको गाइस मैं यहाँ पर ऐसे बाइक को बंद कर सकता हूँ और यहाँ पर मैं बाइक को जैसे ही अटकाऊँगा और गाइस इस बाइक को फिर मैं कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ जब मर्जी में चाहूँ अब गाइज मैं इस बाइक को ऐसे पकड़ के कैरी फॉरवर्ड करके अपनी बाइक को कहीं पे भी लेके जा सकता हूँ और अब मैं आपको गाइस एक चीज़ और दिखाता दो इस बेल यहाँ पर आपको बाइक के अंदर बेल मिलती है जिससे कि अगर कोई भी सामने इंसान आ रहा है या कुछ भी पर्टिकुलर चीज़ आ रही जिसको है जिसको आप हटाना चाहते हैं तो आप इसको प्रेस आउट कर सकते हैं और अब मैं इस लेवर को बंद कर देता हूँ यहाँ पर और इन शॉर्ट गाइज़ ये बाइक अब मेरे को दिखा इन शॉर्ट गाइड ये जो बाइक है ये वन एंड ऑल हर चीज़ है और इसके नीचे अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं गाइस मैं पाँच ला के दिखाऊँ इस तरह सारे कंट्रोल्स हैं इसके यानी कि इसके अंदर बैटरी है इसके अंदर ही वायरिंग है यहाँ से आपको चार्जर इंक्लूड होकर मिलेगा आपने सिर्फ चार्ज करना है और आपकी जो बाइक होएगी वो पूरी चार्ज हो जाएगी यहाँ पर स्टैंड मिला है बहुत ही कंफर्टेबल स्टैंड इसको मैं ऊपर करूँगा अपने हाथ से ऊपर कर सकता हूँ अपने हाथ से नीचे कर सकता हूँ इनफैक्ट मैं अपने पैर से भी कर सकता हूँ जिस पर यह बाइक आराम से स्टैंड हो रहेगी और साथ में गाइस एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं जिससे कि रात के समय में चलाने में आपके एक्सीडेंट के चांस जीरो हो जाते हैं इनफैक्ट गाइज जीरो तो किसी चीज़ के चांस नहीं होते बट मिनिमाइज होते हैं आपके एक्सीडेंट के चांसेस जब आप ये रिफ्लेक्टर लोग दूर से देख लेते हैं और इन शॉर्ट गाइज़ ये बाइक बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है चलाने के लिए और अब मैं आपको चलता हूँ सीधा इस बाइक को चलाने के लिए और आपको दिखाता हूँ ये बाइक कैसी दिखती है तो चले गाइज देखो ये शूट करते करते एक नेशनल बर्ड भी हमारी स्पॉट हो गई तो इसी के साथ कमेंट सेक्शन के अंदर जय हिंद वंदे मातरम लिखना बिल्कुल मत भूलना तो दोस्तों अब हम जा रहे इस बाइक को चलाने के लिए अभी हम सेफ ड्राइविंग मोड में चलाएंगे क्योंकि ये बहुत फास्ट भागती है तो अब मैं आपको दिखाता हूँ ये बाइक कैसी चलती है आपको थोड़ा सा रफ एस्टीमेट तो मिल जाएगा कि ये बाइक चलती कैसे है अब मैंने सिर्फ इसको थोड़ा सा इनिशियल स्टार्ट देना है और ये देखो अपने आप गाइस ये भागना स्टार्ट हो गई बहुत कंफर्टेबल तरीके से भाग रही है कि मेरी बाइक इस वक्त और ये देखो कितनी स्पीड में भाग रही है गाइस आई नो कैमरा बहुत दूर खड़ा है बट मैंने माइक लगा रखा है तो वॉइस आई कैप्चर हो रही है और इस वक्त देखो गाइस मैं कुछ नहीं कर रहा बहुत ही आराम से चला रहा हूँ और जब मैं अब ब्रेक मारता हूँ बहुत आराम से ये बाइक यही की यही रुक जाती है तो इस इन शॉर्ट आपको ये समझ आ गया होगा और गाइस आपको मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि ये जो बाइक है ये एक बैटरी बैकअप में 60 किलोमीटर तक चल सकती है यानी कि अगर आप डेली से मिडल से स्टार्ट करोगे आपकी आराम से करॉट प्लेस पार करते करते गुड़गांव पार करते करते एयरपोर्ट तक ही आराम से चल सकती है अगर आप इसको नॉर्मिनल तरीके से चलाओ तो गाइस आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई जहाँ पर मैंने इस यू बोर्ड के ई e स्कूटर को रिव्यू करा अगर आपने ये यू बोर्ड का ई स्कूटर खरीदना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है आप जाके इसको परचेस कर सकते हैं और दोस्तों तब तक के लिए आप अपने अपने परिवार का ध्यान रखिए और अभी आप वंडर कर रहे हो यार मैंने मास्क क्यों नहीं पहना गाइज सबसे पहले अगर आप नोट करोगे तो मैं शूट के टाइम सिर्फ मास्क नहीं पहन रहा जबकि यहां पर सारे तरफ खाली है लोग बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है तो इस चक्कर के अंदर मैंने मास्क नहीं पहना तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट ऑल्सो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कॉमेंट करके जरूर बताना आपको इस वीडियो में सबसे फेवरेट पार्ट क्या लगा और आप अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए कोरोना महाकाल के अंदर घर में रहिए सुरक्षित रहिए जय हिंद वंदे मातृ